बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी या कोई व्लॉग शेयर नहीं करने वाली, बल्कि आज की जो वीडियो है वो बॉडी शॉप के स्ट्रीटरी इन कंट्रोल हाइड्रेटर की के रिव्यू पे है। तो आप देख सकते हैं ये छोटी सी ट्यूब है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मैंने ये यूज़ की है, तो मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो ये बॉडी शॉप की आपको पता ही होगा कि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी कॉस्टली है। तो ये भी आई थिंक 3250 की है, आप प्राइस देख सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन, ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है और ये स्किन सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही सूटेबल है और बहुत लाइट वेट ये मॉइस्चराइज़र है सेंसिटिव स्किन के लिए। लेकिन ये ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा रेकमेंड की जाती है और ब्लेमिश जो स्किन होती है उसके लिए और एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप इसका वेट देख सकते हैं, ये बहुत लाइट वेट है और इसका टेक्सचर देखें, इसकी कंसिस्टेंसी लाइट सी है, जैसे क्रीमी जेल टेक्सचर है इसका। तो इसमें जो एलोवेरा और टी ट्री मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, तो एलोवेरा आप जानते हैं कि स्किन के लिए कितना सूटेबल है हर स्किन के लिए, लेकिन एलोवेरा की जो सूदिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप सब जानते ही होंगे। और उसके अलावा इसमें टी ट्री है जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो वैसे तो ये ऑयली स्किन के लिए रेकमेंड की जाती है, लेकिन ये ब्लेमिश स्किन सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छी है क्रीम। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा ये क्रीम जो है ये यूज़ नहीं की जाती, बिल्कुल थोड़ी सी इसको क्रीम को हमने लेना है, हमने हाथों में दोनों हाथों में रब करना है और अपनी स्किन पे ऊपर की तरफ हाथ करते हुए मसाज करना है स्किन को। बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है ये और ये 24 आवर्स हाइड्रेट रखता है स्किन को, ये क्लेम करता है। उसके अलावा आप इसको एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने अप्लाई किया है उसके बाद आप मेकअप यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत सूदिंग और कूलिंग इफ़ेक्ट्स देता है आप लगाने के बाद। और इसके अलावा हल्का हल्का ग्लो स्किन पे आता है जो कि बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देता है। और आप, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये लाजमी ट्राई करें, बहुत बेनिफिशियल है ये। उसके अलावा आप ये अगर ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है तो तब भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको स्प्रिंग में या फिर समर में भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपकी स्किन हल्की ड्राई फील होती है तो ये लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होगा जब आप फेस वॉश करते हैं या मास्क वगैरह लगाते हैं। उसके बाद आपकी स्किन ड्राई फील होती है, लेकिन आप अगर ये अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ड्राई स्किन फील नहीं होगी और टाइट जो स्किन फील होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप ये ट्राई करें और अपना फीडबैक आप भी शेयर करें, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, डिस्क्लेमर, बच्चों की पहुँच से ये दूर रखें क्योंकि इतनी महंगी चीज़ लेने के बाद अब बच्चों के हाथों से तो लाजमी बचाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।